अभी गर्मी काफ़ी पड़ रही है, इस तरह में कुछ ठंडा ठंडा पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ दो ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक तो बच्चों की फेवरेट फ्रूटी घर में बनाऊंगी, जो कि मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनकर के तैयार होगी। बिना किसी कलर के, प्रिजर्वेटिव के, ये फ्रूटी बहुत ही अमेजिंग बनती है। तो सबसे पहले मैं इधर फ्रूटी ही बनाऊँगी, और साथ ही साथ ना आप इस फ्रूटी को ना एक वीक तक स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक बड़े साइज़ का पका हुआ आम लिया है और एक छोटे साइज का कच्चा आम, और अभी ना दोनों ही आम मिल रहे हैं मार्केट में, तो आप इस ड्रिंक को आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो जो पका हुआ आम है ना, इसे मैंने छील लिया है और इसे मैं फाइनली चॉप कर रही हूँ। तो जो मतलब पका हुआ आम है ना, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, और कच्चे वाले आम की क्वांटिटी जस्ट उसके 1/4 रहेगी, या फिर जिस अकॉर्डिंग आपको मीठा खट्टा पसंद हो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कच्चा आम ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कच्चा आम है ना, बहुत ज़्यादा खट्टा है, तो मैं यहाँ पर कम ही क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हाफ मैंने यहाँ पर कच्चा आम लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसे फाइन पीस करके तैयार करेंगे। तो पहले मैंने पका हुआ आम को मतलब मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र किया, देन कच्चा आम को। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1/3 कप चीनी का इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा खट्टा लग रहा है, तो थोड़ा 1-2 चम्मच मैंने क्वांटिटी बढ़ाई हुई थी। तो जिस अकॉर्डिंग आपका आम खट्टा मीठा हो, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। इसे हम अच्छा फाइन पीस करके तैयार कर लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर कितना बढ़िया आया है। अगर आप में मतलब थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह जाती है, रेसे वगैरह रह जाते हैं ना, तो आप इसे एक बार यहाँ पर छान सकते हैं, लेकिन ये एकदम अच्छे से फाइन पीस गई थी ना, तो मैंने इसे डायरेक्टली मतलब पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ पर ना इसे हमें पकाना है थोड़ी देर के लिए, जस्ट मतलब जब तक ये ना इसका कलर जो है ना हल्का सा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तो जार में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसी में ऐड कर दिया है, थोड़ा मिक्स कर लेंगे इसे, देन हम इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ना इसका जो कलर है ना एकदम ट्रांसलूसेंट सा हो जाएगा। उतना ही पकाना है आपको, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाइएगा, नहीं तो नीचे से ये जल सकता है। देखिए इसमें एक उबाल आ गया है और इसका जो टेक्सचर है ना थोड़ा सा और पतला सा हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर इसे एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 कप के करीब पानी, 1 कप मैंने पहले ही ऐड किया था, और यहाँ पर इसे हम मिक्स कर लेंगे। और हमारी जो फ्रूटी है ना बनकर के बिल्कुल तैयार हो गई है। इसका टेस्ट डिट्टो फ्रूटी की तरह ही आता है। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, देन आप इसे ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ दूसरी ड्रिंक, तो ये बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप चीनी लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी, मतलब ताकि जो चीनी है ना हमारी अच्छे से घुल जाए पानी में, इतना पानी आपको ऐड कर देना है यहाँ पर। और जो पानी है ना गर्म ही लिया है हल्का सा, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सब्जा सीड, जो कि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा पेट को ठंडा रखती है, तो आपके पास हो ना तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है गर्मियों में। तो मैंने 1 चम्मच के करीब इसे ऐड कर दिया इसी पानी में, शुगर वाले पानी में, और थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे, ताकि जो सब्जा सीड है ना थोड़ी सी फूल जाए और पानी भी हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए। अब मैंने लिया यहाँ पर अगेन कच्चा आम, आधा ही आम यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और 2-3 मुट्ठी भर के मैं यहाँ पर ले रही हूँ पुदीने के पत्ते। अगर आपको जो ड्रिंक है ना हल्की सी स्पाइसी पसंद हो ना, तो आप 1 मिर्च यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें मिर्च वगैरह ऐड नहीं की है, क्योंकि अभी पता नहीं मिर्च डालने से पिएगा कि नहीं, क्योंकि ये हल्की सी तीखी हो जाती है। और ये जो देखिए आम और पुदीने को मैंने अच्छा फाइन पीस करके तैयार कर लिया है, तो अब मैं इसे इसी पानी में ऐड कर रही हूँ जिसमें हमने सब्जा सीड को भिगो के रखा था। अब आप चाहें तो इसे किसी भी कांच के बॉटल में भर करके फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके। तो अभी मैं हम देख लेते हैं इसे ड्रिंक कैसे रेडी करना है। तो आप इसे हाफ ग्लास को फिल कर दें, देन इसमें थोड़ा चाट मसाला, फाइनली चॉप किया हुआ मैंगो ऐड करें, और हाफ ग्लास को आप चाहें तो पानी या फिर सोडा से फिल कर सकते हैं। और हमारी चटपटी अमेजिंग एकदम रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार है। और इधर जो फ्रूटी है ना वो भी हल्की सी ठंडी हो गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसका कलर और टेक्स्चर आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रूटी की तरह लग रहा है देखने में। और देखने में ही नहीं, ये पीने में भी डिट्टो फ्रूटी की तरह था। कोई भी ड्रिंक आपको पसंद आया ना, तो ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। अभी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, ट्राई कीजिएगा तो बताइए।